गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑडिबल, सबको आवाज आ रही है? यस सर। परफेक्ट। यस सर। तो मुझे बताओ, लास्ट टाइम डिड वी फिनिश रिलेशंस? क्या हमने रिलेशन फिनिश किया था? कम ऑन, रिप्लाई करो। नो सर। क्यों, क्या बाकी था? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एक्चुअली में वो वाला जो पार्ट है ना, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, वो एक्टिविटी में है। अब देखो जरा, ओपन करके देखो जरा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस वो एक्टिविटी में है। मतलब कैसा ना, वो अगर वो आपको है तो ठीक है, कॉलेज में पढ़ा रहे तो ठीक है, वरना फिर कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक बार कंफर्म करो, क्योंकि वो एज अ एक्टिविटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इज इट पार्ट ऑफ योर एग्जाम और नो, वो पता नहीं, क्योंकि फिर बाद में अगर नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, है ना, एक बार जरा कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस वाला पार्ट है कि नहीं है, है ना, राइट? उसके अलावा बताओ, कुछ बाकी है क्या? नहीं सर, अपार्ट फ्रॉम दैट। यूनिवर्सल रिलेशन उसको बताया था ना मैंने आपको, डोमेन रेंज तो किया ही था हमने, इतना तो पता ही है, करेक्ट? यस सर, हो गया सर चैप्टर सर। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसा है ना, आप एक बार कंफर्म कीजिएगा, और अगर है वो तो विल डू इट, क्योंकि वो इसमें जो लिखना है ना, लिखने वाला पार्ट आपको ऐसा ओरली तो एक्सप्लेन कर ही सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा ऐसा। रुद्राक्ष, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फंक्शंस, ओके? ओके सर। राइट, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ इसके बारे में बोल रहा था। तो ऐसा है, ठीक है, अच्छा लोग, अपना अभी सिर्फ दो ही टॉपिक बाकी है, मतलब मेरे एंड से। एक तो है अपना फंक्शंस, एंड द अदर वन इज दिस, अपना क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। दिस आर द टू टॉपिक्स विच आर लेफ्ट। ठीक है, फिर तो अपना हो जाएगा अगर प्रॉपरली लेक्चर्स मिले अपने को। देखो, कमिंग वीक तक मोस्टली अपना ये खत्म हो जाएगा फंक्शंस। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली फेब्रुआरी मिड तक, मेरे को ऐसा लगता है अपना, मेरे एंड से 11th का सिलेबस हो जाएगा। फिर आपको क्या बचा अभी, लिमिट्स हो गए, इट्स लिमिट्स कंप्लीटेड? यस सर, लिमिट्स भी हो गया है। तो भी आपको फिर बचा क्या है, सिर्फ कंटिन्यूटी बचा है, डिफरेंशिएशन, ओके, तीनों सर के टॉपिक्स है। अगर ऐसा लगता है तो फिर देख लेंगे, टाइम बचता है तो कंडक्ट को इकोनॉमिक्स कंडक्ट कर लेंगे, इजी है वो भी कंपैरेटिवली। चलो कम ऑन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, राइट, आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे बताना। ठीक है, आई विल शेयर द स्क्रीन, सबको आवाज आ रही है एकदम प्रॉपरली? यस सर। यस सर। यस सर। मैं कैमरा ऑन करने को बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फिर मनवा नहीं करोगे। ठीक है, सबका एटमोस्ट अटेंशन चाहिए। अगर मुझे लगा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग बैच में देखा बहुत बढ़िया बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अंधेरी का जो बैच है वो, अंधेरी का, ठीक है, एकदम क्लास बैच है, मजा आ जाता है। मतलब बच्चे बोलते हैं सर समझो, आप समझो हम करेंगे, वैसा एक्टिव बैच ये भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो ऐसा लेजीनेस वो जो होता है ना, वो सब मत कीजिएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी से कुछ भी पूछो तुरंत रिस्पॉन्ड करना है आपने, अगर मुझे नहीं मिलता है तो फिर सब गए। ठीक है, फिर वो कैमरा ऑन बार बार फिर मैं परेशान करूंगा। तो एवरीवन शुड बी हाइपर एक्टिव, सुपर एक्टिव होना चाहिए, और जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, और होमवर्क रेगुलरली करना है, क्योंकि ऑनलाइन मोड आप जानते हो, यू नो वॉट वॉट हैपन्स इन ऑनलाइन, इसमें लेजीनेस आने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, हम बहुत ईजिली लेजी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जरा भी अपना ध्यान भटकाना नहीं है, अपना बेस्ट एटीट्यूड रखो, भाई 3 घंटा मुझे बैठना है, 3 घंटा पूरा फोकस करना है, ये अपना एटीट्यूड होना चाहिए मॉर्निंग में,
सुबह सुबह नींद ना रही है, जाओ मुंह धो लो पहले जाके, है ना सर? ठंडी है सर, ठंडी और लगेगी। कुछ भी हो आपको नींद नहीं आना चाहिए सुबह सुबह, खत्म। ये एटीट्यूड रखो, 3 घंटा अपना बेस्ट देना है, बस ये एटीट्यूड रखो, फिर जो करना है करो 10:15 के बाद। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट, ठीक है? चलो अब देखो, ये जो चैप्टर है ना फंक्शंस, अगर आप देखोगे तो इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को। आप देखो जरा, ओपन अप करो चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब ऐसे देखा जाए तो आपको लगेगा अरे एक्सरसाइज में 2 ही एक्सरसाइज है, बट इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, इसमें जो कंटेंट है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो इसको पढ़ने का थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? क्योंकि इसमें चीजें बहुत सारी कवर करनी पड़ेंगी आपके साथ। तो अभी मैं क्या सोच रहा था ना, ये चैप्टर में ना लॉग भी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? लॉग। और क्या हमने लॉग पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? यस और नो में रिप्लाई दो। क्या मैंने आपको लॉग टेबल यूज पढ़ा करना हुआ है, सिखाया हुआ है? मतलब लॉग पढ़ा है, यस मतलब मैंने सर। सिर्फ आपको लॉग टेबल ही निकालना सिखाया, मतलब यूजिंग लॉग टेबल्स आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो वो सब सिखाया हुआ है मैंने आपको, है ना? तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको इस चैप्टर में जो भी लॉग रिलेटेड सम्स है पहले वो सिखा देता हूँ, ताकि इस चैप्टर का जो लॉग वाला पार्ट है वो आपका पहले स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना? तो पहले लॉग रिलेटेड जितने भी सम्स है आई विल टीच यू दैट पार्ट फर्स्ट, एंड वो हो जाने के बाद फिर मैं आपको फंक्शंस का बेसिक्स बताऊंगा, क्या होता है फंक्शन, उसके ऊपर सम्स बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है? तो मजा आएगा। तो पहले हम लॉग रिलेटेड सम्स करेंगे, एंड उसके बाद मतलब फंक्शंस का ही पार्ट है वो, जो चैप्टर जो लॉग रिलेटेड सम्स है वो फंक्शंस का ही पार्ट है, ठीक है? बट पहले हम वो वन ऑफ टॉपिक कर लेंगे। चलो तो चैप्टर का नाम दे दो, एवरीवन गिव द चैप्टर का नेम, फंक्शंस, ठीक है? फंक्शंस। अभी फंक्शंस के अंडर हम पहले क्या पढ़ने वाले, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के सम्स, है ना? तो सबसे पहला चीज जो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो है लॉग के बारे में। चलो ध्यान से सुनिएगा, लॉगरिदम, ठीक है? पे अटेंशन। ओके, अब पहले इसको रीड करना सीखो। इसको हाउ डू यू रीड इट, इसको कैसे रीड कर दोगे? लॉग ऑफ log एक्स of x to एक्स टू द the बेस base ए, ठीक है? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अभी आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा यहाँ पे हम लॉग किसका निकाल रहे हैं, जल्दी से बोलो गाइस, यहाँ पे हम लॉग किसका निकाल रहे हैं, एक्स का निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम लॉग किसका निकाल रहे हैं, एक्स का। तो जो भी नंबर का आप लॉग निकालते हो ना, वो हमेशा 0 से पहले तो बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लॉग ऑफ यहाँ पे एक्स लिखा है ना, ये जो एक्स है ना, हमेशा ये जो एक्स है ये हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, बड़ा। ऑलवेज, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो लॉग ऑफ एक्स है, उसमें जो एक्स है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, ना ही 0 हो सकता है। तो एक्स हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा चीज, यहाँ पे जो ए है ना, ए, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बट कभी भी ये ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस में जो ए बेस है, ये भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी 0 से बड़ा तो 1 भी होता है कि नहीं होता है? अग्री करते हो कि नहीं करते हो? ए का वैल्यू 0 से बड़ा तो ए का वैल्यू 1 भी हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक चीज आपको ये समझनी है, जो मैंने आपको बताया कि लॉग के कंडीशंस क्या है ना, किसी भी नंबर का लॉग निकालते तो क्या चीजें याद रखनी है। कम ऑन, रिपीट कीजिए, कम ऑन। लॉग एक्स टू द बेस ए, उसमें एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए हमेशा, एक्स का वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो से जीरो। बड़ा ही होना चाहिए भैया। और ये जो ए है ना, ये जो ए है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 0 से नॉट बड़ा, इक्वल टू वन, यस, 1 नहीं होना नॉट चाहिए, इक्वल टू वन। यस, दैट इज इट। ये कंडीशन याद रखनी है, पहला चीज, ठीक है? डन। अभी इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, इसके बाद हमने लॉग के रूल्स पढ़ने हैं, या फिर लॉग के प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, जो आप जानते हो, बट एक बार मैं वापस दूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर सम्स करेंगे, ठीक है? तो चलो, तो पहले ये इतना सा लिख दो चाहिए तो, ठीक है? रुको मैं लिख के देता हूँ, रुको 1 मिनट, रुको मैं लिख के देता हूँ ताकि आपके पास एज ए नोट रहे।
अच्छा ए का वैल्यू वन क्यों नहीं होता, उसका रीजन है बताऊंगा आपको, एक प्रॉपर्टी आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, डो नॉट वरी। चलो बढ़िया, अभी आप जरा लिखिए रूल्स ऑफ लॉगारिथम्स, रूल्स ऑफ लॉगारिथम्स। कॉपी कीजिएगा, ठीक है, मेरे साथ साथ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। गरिमा है कि सो गई है? तो लेक्चर में ही नहीं है। व्हाट अबाउट परसिस्टी, अवेकन? बच्चे सुबह सुबह सो जाते हैं, देखो। यस, देखो सो गई है, बोल रही है। गुड, वेरी गुड परसिस्टी, सो जाओ। ऑनलाइन लेक्चर है तो आप अपनी मनमानी मत कीजिएगा, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। अपनी मनमानी करना मतलब क्या होता है पता है? अपने हिसाब से आना, जब मन करे तब बैठना, है ना। ये मनमानी करोगे ना तो आप फंस जाओगे ना, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में वही एटीट्यूड 12th में रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है, सो मेक श्योर कि आप ध्यान से सुन रहे हो टू वॉट एवर आई से। चलो पार्थ किधर है? पार्थ रही मेरी, पार्थ पार्थ भी गायब है। चलो हो गया सबको कॉपी करके, परफेक्ट, ओके। अब देखो, लेट्स रीड आउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या बोलता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या बोलता है? लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है कि नहीं, अग्री करते हो कि नहीं करते, देखो दोनों का बेस सेम है, ठीक है, दोनों का बेस अलग नहीं है, सेम है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन की तरह हो गया ना, द बेस ए, दोनों का बेस सेम है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया। अगर बेस सेम है तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ एम इन टू एन, m into the base a। समझ में आ रहा है? अगर बेस सेम है तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा होगा अगर यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे बेस b है तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हो, बेस अलग होने पे आप नहीं कर सकते हो, पहले बता रहा हूं, दोनों का बेस सेम है तभी हम जाके ऐसा कर सकते हैं। तो log m प्लस log n, अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, log m into n to the base a, ठीक है, log m plus log n is log m into n to the base a, ठीक है, तो log m to the base a plus log n to the base a is equal to log m into n to the base a। अब दूसरा देखो, come on, log m to the base a minus log n to the base a, minus है बीच में, दोनों का base same है अगर, ठीक है,
log m to the base a minus log n to the base a equal to इसका आंसर आएगा log of m by n, log of m by n to the base a, m by n हो गया, divide हो जाएगा, जब बीच में minus होता है तो क्या हो जाएगा log of m by n to the base a हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये दो property अच्छी तरह समझो, log m plus log n, अगर base same है तो multiply हो जाएगा, log m minus log n, base देखो same है again, तो क्या हो जाएगा divide। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, log 3 टू द बेस 2 माइनस log 5 टू द बेस 2, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, कम ऑन, log 3 बाय 5 टू द बेस 2, log ऑफ 3 बाय 5 टू द बेस 2, देखो log m माइनस log n टू द बेस 2 है तो देखो log m माइनस log n हो गया, तो log m बाय n की तरह हो गया टू द बेस 2, चेक करो, कम ऑन, नेक्स्ट बताओ, log 5 to the base 3 plus log 3 to the base 5, क्या log m plus log n apply होगा? No sir. No sir. Change no, of base theorem apply करना पड़ेगा। नहीं वो सब मत बोलो बेटा, रुक जाओ, है ना, बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम टू सेम नहीं है। बट अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ log 6 to the base 3, अब देखो अप्लाई हो जाएगा क्या log m plus log n, बोलो व्हाट शैल बी द आंसर, कम ऑन क्या आंसर होगा, log 5 into 6 to the base 3, मतलब क्या हो जाएगा log of 30 to the base 3, है कि नहीं, सो सिंपल, बढ़िया। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखो, तीसरा प्रॉपर्टी, व्हाट डज द थर्ड प्रॉपर्टी से, इट सेज log of m raise to n to the base a, देखो यहां पे क्या है, m के ऊपर n है, ठीक है, log of m raise to n, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, this is not the scenario, ऐसा नहीं है, जो मैंने लिखा ना m के ऊपर n है, m raise to n, इसका आंसर क्या है, the property says n will fall down, क्या हो जाएगा, n अपना नीचे गिर जाएगा, तो n नीचे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n multiplied by log m to the base a, n multiplied by log m to the base, ये property है guys, इसको अच्छी तरह समझना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इधर देखो, suppose मैंने ऐसा बोल दिया, log of 5 to the base 2, यहाँ पे ऐसा cube लिख दिया, log of 5 cube to the base 2, तो what will happen बोलो, come on, देखो ये 3 will fall down, 3 log, yes, 5, 3 log of 5 to the base 2, yes, अगर ऐसा होता ना भैया, ऐसा log 5 to the base 2 the whole cube, तो आंसर इसका ये नहीं होता, अगर ऐसा होता सिनेरियो तो इसका आंसर ये नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, होल क्यूब होता तो कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है, वो ऐसा का वैसे ही रहेगा, वो इंटैक्ट रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो हाउ डू रीड द प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एम रेज टू एन टू द बेस ए इज एन लॉग एम टू द बेस ए, एन विल फॉल डाउन, कहने का मतलब ये है। चौथा प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको आप ऐसे याद रखो, log a to the base a is 1, log a to the base a is equal to, मतलब यहाँ पे अगर log 5 लिखा और यहाँ पे base भी 5 आ गया तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको आप ऐसे याद रखते हो, log of a number, log of a number with base itself, log of a number with base itself is 1, क्या याद रखोगे, समझा, जिसका नंबर, जो नंबर का लॉग निकाल रहे हो उसका बेस वो खुद ही है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, लॉग ऑफ अ नंबर विद बेस इटसेल्फ इज 1, ये पहला प्रॉपर्टी आपको बोलना नहीं है, राइट, ये हो गया चौथा प्रॉपर्टी। तो कोई बोलेगा लॉग 10 टू द बेस 10, बोलो लॉग 10 टू द बेस 10, 1, लॉग 3 टू द बेस 3, 1, है ना, ये बोलना नहीं है आपने, हमेशा याद रखना है log of a number with the base itself is 1, लिख के रखो ये बाजू में, इसको प्रॉपर्टी को ऐसे भी याद रखते हैं, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी, log of 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0, ऑलवेज log of 1 का वैल्यू 0 होता है टू एनी बेस, हाँ यहाँ पे बेस कुछ भी होने दो, यहाँ पे बेस कुछ भी होने दो, तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, log of 1 टू एनी बेस, अगेन एनी बेस मतलब यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, कम ऑन, मैंने बताया था ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, यस, log of 1 टू एनी बेस, एनी बेस मतलब 1 को छोड़ के कोई भी नंबर होने दो 0 से बड़ा, टू एनी बेस इज 0, ठीक है।
पहला चीज आपने ये समझना है, ये पांच रूल्स अपने को पहले अच्छी तरह याद रखना है। चलो कम ऑन लेट्स रीड आउट। यस कम ऑन रीड करो बेटा, रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स, गो फॉर इट, रीड करो। log of m to the base a plus log of n to the base a is equal to log of m into n to base a. Good. Second wala padho. log of m to the base a minus log of n to the base a is equal to log of m by n the base a. Very good. Chalo next kon padega next? Ha padho padho padho. log of m raised to n to the base a is equal to n log m to the base a. Very good. Chalo next padega, next kon padega, kon padega? Tanish padega, fourth and fifth. Yes sir. Log a to the base a is equal to 1. Log 1 to the base a is equal to 0. Yes. चलो अभी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, सबने याद कर लिया, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, फटाफट आंसर कीजिएगा, ठीक है? कम ऑन गो फॉर इट, अभी आंसर कीजिएगा। एक मिनट चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो बताओ स्टार्टिंग के दो में क्या अप्लाई करो, स्टार्टिंग के दो में कम ऑन log m plus log n log log, log m plus log m into n. Yes log m plus log n, बोलो log m into n मतलब क्या होगा, 6 into 5 कितना, 6 into 5 30. Yes log 30 to the base 2 to the base 2 minus log 7 to the base 2 बताओ 7 to the base 2 ये किसकी तरह रिजेंबल हो रहा है बताओ, ये log m minus n log of yes log m to the base a minus log n to the base a. बोलो yes answer क्या होगा, log of 30/7 to the base to the base a 2 है कि नहीं? Okay guys, अगर आपको बोलो मैं इसको simplify करो, log of 25 to the base 5 है ना, इसको simplify करो, log of 25 to the base 5, tell me what is 25? 25 क्या होता है, 5 का square होता है क्या, agree करते हो कि नहीं करते हो? तो ये जो 25 होता है इसको मैं 5 का स्क्वायर लिखता हूं, तो बोलो 5 का स्क्वायर लिखा तो व्हाट विल कम कम डाउन, कम ऑन ये किसकी तरह दिख रहा है बताओ, कम डाउन यस लॉग 5 टू द बेस दिख रहा है, परफेक्ट, 2 विल कम डाउन, 2 विल फॉल डाउन, चलो 2 नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, बोलो लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 टू द बेस 5 होता है, लॉग 5 टू द बेस 5 का आंसर क्या होता है क्या आप जानते हो, 1 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 It's two. चलो एक और कोशिश करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? Let's try out this problem. Suppose मैंने ऐसा कुछ लिख दिया. Come on, कोशिश करो इसको. सोचो. 2 raised to the power of 6, 6 नीचे आएगा सर 2, 2, 1, 6 आएगा. Yes. Very good. इधर देखो, 64 को लिख सकता हूँ 2 raised to 6 और यहाँ पे base 2. है ना 64 को लिख सकता हूँ 2 raise to 6 now what will come down देखो ये देखो log m raise to n की तरह हो गया log m raise to n to the base a की तरह हो गया चेक करो यहाँ पे n नीचे गिर जाएगा है क्या नहीं तो 6 will come down क्या हो जाएगा log 2 to the base 2 बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 into 1 is 6 चलो एक और ट्राई करो come on मेरे को आंसर चैट बॉक्स में भेज देना ठीक है once you are done with it बोलना नहीं आंसर कोई भी बोल रहा हो ठीक है कम ऑन बहुत चिंदी क्वेश्चन दिया है यस टू सिंपल मैन वाओ बहुत लोग ने आंसर दिया है भाई बोलो 27 क्या होता है 3 का क्यूब 3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 log 3 to the base बहुत 3 3 आ गया इसका आंसर क्या होता है 1 होता है 3 into 1 3 आपको बता दूं मैं एक बात कि ये चैप्टर ना CET में भी है आई एम टेलिंग यू दिस चैप्टर इज इन CET एज वेल ठीक है तो इसको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा ठीक है सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज CET इज कंसर्न एंड 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न ठीक है चलो हो गया ये अपना basics
अभी नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है चेंज ऑफ बेस थ्योरम। लिखो जरा चेंज ऑफ बेस थ्योरम। चेंज ऑफ बेस थ्योरम बोलो या लॉ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है लिखो जरा बोलो n के ऊपर कंडीशन क्या डालो। n के ऊपर कंडीशन नॉट इक्वल टू वन। वेरी गुड n नॉट इक्वल टू वन गुड। और यहाँ पे a पे भी कंडीशन क्या आएगा a पे भी कंडीशन नॉट इक्वल टू वन। a पहले तो जीरो से बड़ा जीरो नॉट इक्वल टू वन। गुड बेस का हमेशा कंडीशन भूलना नहीं है। ठीक है पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन कर दो। बहुत सिंपल है। यस लिख लिए डियर स्टूडेंट्स। यस सर। Yes, अभी ये जो लिखा हुआ है आपको लग रहा होगा बापरे क्या लिखा है एकदम चिंदी है। देखो इधर अगर इसको एकदम सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताना है मुझे तो देखो राइट अभी सपोज मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा है लॉग एम टू द बेस एन। ठीक है लॉग एम टू द बेस एन तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो लॉग एम ठीक है अपॉन लॉग एन। ठीक है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो log m अपॉन log n। अभी देखो फिलहाल यहाँ पे इसका बेस कुछ लिखा है मैंने फिलहाल यहाँ पे इसका बेस कुछ लिखा है मैंने आई हैवंट रिटन एनी बेस है ना यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा है तो आप इसको कोई भी बेस दे सकते हो आप इसको कोई भी बेस दे सकते हो। ये वाला जो पार्ट है log m अपॉन log n है ना तो ये जो m का जो बेस है और ये जो इसका जो बेस है वो आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको ठीक लगे। मान लो कि मैंने ऐसा दे दिया इसको ऐसा दे दिया log m टू द बेस ए दे दिया डिवाइड बाय लॉग एन टू द बेस ए दे दिया। क्यों पता है देखो इधर देखो कैसे होगा। ठीक है तो ये प्रॉपर्टी अगेन ये इसका प्रॉपर्टी है लॉग का। ठीक है अभी आप क्या करो मान लो कि मैंने क्या कर दिया इसको लॉग ए से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया लॉग ए से तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा लॉग एम टू द बेस ए और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा लॉग n to the base है ना। देखो प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने। ठीक है प्रॉपर्टी अप्लाई किया चेंज ऑफ बेस का। देखो पहले ये वाला पार्ट सीख लो आपको नहीं समझ में आता तो पहले ये वाला पार्ट सीख लो। ठीक है फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस log m to the base n इसका आंसर क्या होगा कमॉन log m डिवाइड बाय log n। अगर कोई पूछेगा बताओ log 5 to the base 3 बताओ क्या होगा चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी व्हाट विल इट से log of 5 अपॉन 5 to the base अपॉन log। अभी आपको जो बेस देना है वो दो आपको जो बेस देना है दे दो। अभी मान लो कि मेरे को है ना बेस देना है इसका 6 देना है मुझे दोनों का बेस 6 देना है तो आप क्या करो इसको भी log 6 से डिवाइड कर दो इसको भी log 6 से डिवाइड कर दो। अब इसको log 6 से डिवाइड कर दो वापस देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कमॉन कमॉन इसका आंसर क्या आएगा log of log of 5 to the base 6 डिवाइड बाय log of 3 to the base 6। उल्टा भी अप्लाई करना आना चाहिए ना। देखो आप यहां से यहां तो बोल रहे हो एक मिनट आप यहां से लेफ्ट से राइट तो बोलने आ रहा है आपको बट अगर राइट से लेफ्ट हुआ तो भी तो बोलने आना चाहिए। तो देखो log 5 अपॉन log 6 ये क्या हो जाएगा log 5 टू द बेस 6 अग्रीड और नॉट अग्रीड तो आपको हर तरीके से आना चाहिए। चलो एक और बार अप्लाई करते हैं तो आपको बेस का टेंशन नहीं लेना है। जैसे अभी मैंने बोल दिया log of 8 टू द बेस 3 करो अभी मैं बोलूंगा चेंज ऑफ बेस से अप्लाई करो तो क्या बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा
अभी डिपेंड चाहिए आपको कौन सा बेस चाहिए. अगर मान लो मुझे 4 चाहिए होता बेस तो मैं डायरेक्टली 4 लिख देता. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लॉग ऑफ ए टू द बेस 4 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 3 तो बोलेगा कैसा है तेरा 4 बेस तो बोलने का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लॉग 4 से डिवाइड कर ले. फिर कोई तुमको बोलेगा भाई मेरे को लॉग 2 बेस चाहिए तो बोलने का भाई लॉग 2 से डिवाइड कर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. चलो भाई लॉग 2 से डिवाइड किया. ये लो लॉग 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा बोलो. अगर लॉग 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे लॉग 2 यहाँ पे लॉग 2 हो जाएगा. इसका आंसर क्या होगा बोलो. इसका आंसर क्या होगा लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 डिवाइड बाय लॉग है कि नहीं. तो इसलिए अपने आप ये बेस चेंज कर देता है. ठीक है तो मेन तो आपको पहले तो अप्लाई करने आना चाहिए. चलो बताओ अब तक किसी को डाउट है क्या. यहाँ का कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे. इज इट अंडरस्टूड. यस सर. चलो बढ़िया. कम ऑन अभी हमने मेहनत कर ली है. अभी हमारा आम खाने का समय आ गया है. लॉग एम प्लस लॉग एन log m plus log n दोनों का बेस सेम है. आंसर log of m log m n into the base a सेम बेस. यस log of m into n है ना टू द बेस a. गुड. log alpha minus log beta टू द बेस a. log of alpha upon beta टू द बेस a. बढ़िया. log of alpha upon beta टू द बेस a. log of alpha raised to beta to the base a. log of alpha raised to beta to the base a. beta log alpha to the base a. बढ़िया जा रहे हो ना एकदम बढ़िया. ये beta नीचे गिरेगा. beta log alpha to the base a. good. log of 7 to the base 7 काय आंसर येणार सांगा मला. 1 आएगा. log of 1 to the base 3 जीरो. गुड. अगर मैं बोलू भाई काम कर इसमें चेंज ऑफ बेस से अप्लाई करके दो इसमें चेंज ऑफ बेस से लॉग ऑफ 7 बाय लॉग 5. लॉग ऑफ 7 बाय लॉग ऑफ 5. वो बोलेगा तूने बेस तो नहीं डाला है तो बोलने का जो बेस चाहिए उसके हिसाब से हमको रिएक्ट करना है. कोई बेस नहीं चाहिए तो लिखना नहीं है अपने को. ठीक है अब ध्यान से सुनना. दूसरा एक चीज नोट में लिख लो आप इसको. ठीक है इसको आप नोट में लिखिएगा जो भी मैं दे रहा हूं आपको. नोट कुछ ऐसा है. ठीक है लिखो. ये पार जाग रहा है कि सो गया है. लेट आता है हीरो. हाँ सर. लेट आया था तू. हाँ सर. ठंडी का सीजन है सर आप समझो थोड़ा. दिन तो आता है ना. सब कुछ समझाया ना रे. कोई डाउट तो नहीं है. हाँ सर समझ आ रहा है. चलो बढ़िया. समझ तो आ रहा है सर बट थोड़ा बहुत नींद भी आ रहा है सर हमको. सुबह सुबह तो नींद आएगा ना सर. आप क्या समझते हो सर हम इंसान है सर. नींद तो आएगा ना हमको है कि नहीं. यश यश तो गोवा में एंजॉय कर रहा है ना यश. हाँ भी बोल रहा है. अच्छा बाय द वे हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन. ठीक है एंजॉय कीजिएगा गाइस. लेक्चर रखा है कैसे एंजॉय करे. नहीं मैंने बोला मिस को. नहीं मिस को बोला है. पूरा दिन थोड़ी है. कैंसिल पूरा दिन थोड़ी है. क्या बोल रहे हो लेक्चर रखा है मतलब. आप तो ऐसा बोल रहे हो पूरा दिन है. शाम को भी है ना. बस अभी क्या है इसके बाद थोड़ी कोई लेक्चर है. शाम को है ना लेक्चर. शाम को एक ही है ना कि दो है. एक ही है. एक है तो फिर क्या टेंशन है. एक लेक्चर तो ठीक है ना. वो भी खाली 6:30 से 8:30 है सर. उसका है 2 घंटे. पवन सर का. फिर तो टेंशन ही नहीं है. मैथ्स है फेवरेट है आपका. आज तो मैच डे है सर. फिर टेंशन ही नहीं है पवन सर का है तो. चलो बढ़िया. राइट तो अभी मैं बोलना ये चाहता था कि मान लो कि
कोई भी लॉग एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स, अगर इसका बेस 10 है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर का हम लॉग निकालते हैं, बट उसका बेस अगर 10 रहेगा, कोई भी नंबर का लॉग, जैसे अभी यहाँ पे एक्स का लॉग निकाल रहे हैं और उसका बेस 10 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। मतलब ये बेसिकली बोलते हैं कि ये कॉमन लॉगरिथम है ये, ठीक है, ऐसे बस नाम दिया है। कोई भी किसी भी नंबर का लॉग निकालते टू द बेस 10 तो कॉमन लॉगरिथम हो जाता है। और किसी भी नंबर का अगर हम लॉग निकालते हैं बट अगर उसका बेस ई हुआ, अभी अगेन ई यहाँ पे क्या है, ई एक नंबर है, मैं पहले ही बता दू, व्हाट इज ई, ई इज अ इरेशनल नंबर, ई एक ऐसे कोई अल्फाबेट नहीं है, ई एक इरेशनल नंबर है। आपने पाई के बारे में सुना है कि नहीं सुना? हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड पाई? यस सर। यस, पाई आप बोलते हैं ना 3.14 एंड सो ऑन, इरेशनल नंबर है। वैसे ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसका भी एक वैल्यू होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 2.71 समथिंग होता है, ठीक है। तो log x टू द बेस e, तो ये जो आप log निकाल रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं natural logarithm। क्या बोलते हैं इसको? natural logarithm। टू द बेस 10 को क्या बोलते हैं? कॉमन logarithm। और बेस e को क्या बोलते हैं? natural logarithm। इज इट अंडरस्टूड? यस और नो में रिप्लाई दो। यस सर। आप में आया कि नहीं? यस यस सर। तो कोई कोई आपको बोलेगा log 5 टू द बेस 10, तो आप इसका वैल्यू याद है कहां से निकालते हो? इसका वैल्यू आप log टेबल से निकालते हो, अगर आपको याद होगा तो। तो लॉग टेबल से आप जो यूज करते हो क्या निकालते हो? आप कॉमन लॉगरिथम निकालते हो, है ना? यस, ओके। अगर आपको कहीं पे बेस मेंशन नहीं किया है, अच्छा ये जो है ना लॉग एक्स टू द बेस ई, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ln भी लिख सकते हैं, ln ऑफ एक्स या फिर ln ऑफ एक्स, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा लॉग ऑफ 3 टू द बेस ई, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ln ऑफ 3 या फिर ln ऑफ 3, ln of 3 या फिर कुछ लोग ln of 3 बोलते हैं, मैं ln बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बेस e हुआ तो, अगर बेस e हुआ तो ही बोल रहा हूँ, बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने बोला log 5 to the base e, e बेस होगा तभी होता है ऐसा, e बेस होगा तभी, तो इसको कैसे लिखोगे? ln of 5, और कभी नहीं, जब बेस e होगा तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हो। कौन बताओ? log of 10 to the base e, क्या लिखोगे इसको?